समय समय पर इस दुनिया के सामने कुछ ऐसे भविष्यवक्ता आते रहे हैं जो कि इस दुनिया से जुड़ी हुई, अलग अलग देशों से जुड़ी हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई, अलग अलग परेशानियों से जुड़ी हुई, बड़े बड़े मुद्दों से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां करते हैं। सच बता रहा हूं, इनकी भविष्यवाणियों को जब जब भी सीरियस लिया गया है तो आने वाली मुसीबत से बच लिया गया है, लेकिन जब कभी भी इनकी भविष्यवाणियों को इग्नोर किया गया है तो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें माना जाता है कि ये लोग लिटरली भविष्य देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक, बाबा वैंगा की। दरअसल बाबा वैंगा की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी थोड़े पहले की हुई भविष्यवाणी आज के टाइम में काफी ज्यादा लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये भविष्यवाणी सीधे सीधे भारत से जुड़ी हुई है, सन 2022 से जुड़ी हुई है। हालांकि 2022 के लिए इन्होंने 6 भविष्यवाणियां किए थे, उसमें से 2 अभी तक पूरी सच हो चुकी है और तीसरी भी सच होती दिखाई दे रही है। लेकिन प्रे करो, विश्वास मानो, पर ये तीसरी भविष्यवाणी सच हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे साथ जानना होगा कि आखिर बाबा वैंगा थे कौन। जी हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, तो शॉर्टकट में बता देता हूँ। 12 साल की उम्र में इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट, बड़ा ही दर्दनाक एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट में ये अपनी दोनों आंखें खो देते हैं। एक्सीडेंट के कुछ महीनों बाद जब ये वापस से अपने कदमों में सही तरीके से खड़े हुए, दुनिया को फेस करने के लिए सामने आए, तो ये पाए कि मैं अपनी खोई हुई आंखों से बेशक ऑब्वियसली कुछ देख नहीं सकता हूँ, लेकिन शायद भगवान ने मुझे कुछ ऐसा दे दिया है जिसकी मदद से मैं भविष्य को साफ साफ देख सकता हूँ। उस दिन के बाद से बाबा वैंगा ये कहने लगे कि मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। जब भी कोई उसके सामने आता, वो उन्हें बताने लगते हैं, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और सच बता रहा हूँ, जो जो बाबा वैंगा ने बताई वो हुआ, और जिन जिन लोगों ने उनकी बात को फॉलो किए वो आने वाली मुसीबतों से बच गए, और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किए वो लोग फंस गए। बाबा वैंगा एक लेडी है, आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ। अब ऐसे करते करते इनकी उम्र बढ़ती चली गई। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी, इन्हें अलग अलग भविष्य दिख रहे थे, कभी किस ईयर में किस कंट्री में क्या होगा, जो कुछ भी इन्हें दिखता वो अपनी एक किताब में लिखवा देते। फिर उनको कुछ दिखाई देता कि हाँ इस ईयर में इस कंट्री में कुछ ऐसा होगा, फिर वो अपनी किताब में लिखवा देते। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी सारी भविष्यवाणी अपनी एक किताब में किसी की मदद से लिखवा दी। वो किताब रिजर्व रही। कुछ समय बाद इनका जब उम्र हो गई, भाई जब भी उम्र हुई इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद लोगों ने इन्हें बड़ा ध्यान रखा, क्योंकि इनकी जिंदगी में की हुई काफी सारी भविष्यवाणियां, इनकी उस किताब में लिखी हुई काफी सारी चीजें सच साबित हुई, बिल्कुल सच, सटीक, बड़ी बड़ी चीजें साबित हुई। अब दरअसल 2022 पे हम आते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे और आप अपनी बात करेंगे। 2022 को लेकर बाबा वैंगा ने 6 बड़ी भविष्यवाणियां की है। पहले हम उन 6 बड़ी भविष्यवाणियों की बात करते हैं, फिर बताते कौन कौन सी सच हुई है और कौन सी सच हो गई तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। पहली भविष्यवाणी, बाबा वैंगा ने कहा कि 2022 में एलियन अटैक होगा। बाबा वैंगा ने कहा कि इस दुनिया की कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जहां पर बाढ़ आएगी, उसमें से ऑस्ट्रेलिया और कुछ एशियन कंट्रीज भी होगी। बाबा वैंगा ने यह भी कहा कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी होगी जहां पर सूखा भी पड़ेगा। बाबा वैंगा ने कहा कि टिड्डियों का हमला होगा कुछ एशियन कंट्रीज में। बाबा वैंगा ने यह भी किया कि वर्चुअल रियलिटी काफी हद तक इस दुनिया के सामने आएगी। और बाबा वैंगा ने 6वीं भविष्यवाणी में यह भी किया कि 2022 के आसपास साइबेरिया से एक डेडली वायरस दुनिया वालों के सामने आएगा, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को परेशानी पहुंचाएगा। अब बात करते हैं वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सच साबित हुई, फ्लड की। आप लोग अगर एक्टिव है इंटरनेट में न्यूज के साथ, तो आप लोगों को पता होगा 2022 में फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न इलाके में काफी भारी मात्रा में फ्लड आया, जिससे बड़ा बड़ा नुकसान लोगों को हुआ। वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, अपने अपने शहर गांव छोड़ छोड़ के भागे भी। एशियन कंट्री में भी आया, पाकिस्तान में बड़ा खतरनाक फ्लड आया था, बड़ी खतरनाक बाढ़ आई थी, जिससे काफी सारे लोगों को बड़ी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बाढ़ की वजह से पूरा पाकिस्तान देश कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था, यह बात तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बात करें सूखा पड़ा की, तो सूखा पड़ा है पुर्तगाल के इलाकों में, इटली के बहुत सारे शहरों में, गांव में खतरनाक तरीके से सूखा पड़ा है। मानो कि ऐसे क्राइसिस वहां पर आए हैं कि सही तरीके से अनाज पैदा नहीं हो रहा है, धान नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा
पुर्तगाल और इटली के काफी सारे लोगों, काफी सारे इलाकों में। अब बात आती है भारत की, क्या भारत में भी कोई भविष्यवाणी सच हुई है? अगर सच नहीं हुई है तो क्या हो सकती है? बाबा वेंगा की ये दोनों भविष्यवाणी तो बिल्कुल सटीक तरीके से सच हो गई है, लेकिन तीसरी भविष्यवाणी जो भारत से जुड़ी हुई है, वो भविष्यवाणी ये है कि बाबा वेंगा का ये कहना है कि सन 2022 में पूरी दुनिया में टेम्परेचर खतरनाक तरीके से गिरेगा। इसमें से एशियन कंट्रीज थोड़ी आगे होगी, उसमें से भारत शायद सबसे आगे होगा। भारत का टेम्परेचर 2022 में लगातार गिरने लगेगा, जिस वजह से टिड्डियों को परेशानी होगी। जो कीड़े होते हैं ना उड़ने वाले, टिड्डे बोलते हैं लोग जिन्हें, कुछ लोग टिड्डी बोलते हैं, उनको परेशानी होगी और वो एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे। और जब वो भागते भागते भारत के गांव वाले इलाकों में पहुंचेंगे, अलग अलग इलाकों में फैल जाएंगे, तो वो सीधे हमला करेंगे धान की तरफ, खेतों में, और उनकी वजह से धान की फसल बहुत बुरी तरह से बर्बाद होगी। इतनी बुरी तरह से कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि मानो यार सूखा पड़ने वाला है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भागने लगेंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्या सचमुच में इस तरह का कुछ सामने आ सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अभी तक कंफ्यूजन है। लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर गिर रहा है, अभी ये सितंबर का ही महीना है, टेम्परेचर काफी तेजी से गिर रहा है। दिसंबर के आते आते तक अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया तो टिड्डियां हमला कर सकती हैं, जैसा कि शायद 2 या 3 साल पहले भी हुआ था। टेम्परेचर गिरा था, काफी ज्यादा ठंडी हुई थी, तो जो टिड्डे थे उन्होंने हमला किए थे और उनके हमले की वजह से काफी सारे नुकसान का सामना करना पड़ा था खेत वालों को, किसानों को, खेतों को, नॉर्मल लोगों को भी। भाई अगर कुछ इस तरह का इस बार हुआ तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के हिसाब से जिस तरह की अकाल में सूखा पड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, वैसा ही करना पड़ सकता है। बाबा वेंगा के हिसाब से वर्चुअल रियलिटी भी काफी बड़े हद तक 2022 में लोगों के सामने आएगी। तो जी हाँ, वर्चुअल रियलिटी को 2022 में ही फेसबुक ने, मेटा ने एक बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस किया है। मार्क जुकरबर्ग ने दुनिया वालों के सामने मेटावर्स के जरिए वर्चुअल रियलिटी को एक बड़े लेवल तक पहुंचाने का प्रॉमिस भी किया है। लेकिन अगर आप लोग जरूरत से ज्यादा घबरा गए हैं तो एक और बात आप लोगों के सामने रखता हूं, बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियां गलत भी हुई है। इसमें से एक भविष्यवाणी कि 2010 से लेकर 2014 के बीच में कुछ यूरोपियन कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, जिस वजह से बहुत 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 बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस देश को, बाकी पूरी दुनिया को भी। लेकिन 2010 से लेकर 2014 के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, और कोई भी यूरोपियन कंट्री को इतनी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबा वेंगा के हिसाब से सन 2016-17-18 में भी यूरोप की एक ऐसी कंट्री होगी जिसमें काफी सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा लोगों को, वहां पर बाहर बाहर से हमले होंगे और इस वजह से पूरे यूरोप में दंगा फैल जाएगा और पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट 2018-19 के आते आते तक समाप्त, वाइप आउट हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी यहां पर पूरी तरह से गलत होती है। माना जाता है कि बाबा वेंगा की आज तक 35% भविष्यवाणियां गलत साबित हुई है, लेकिन 75% सच भी हुई है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, केवल तैयार रखने की कोशिश कर रहा हूं। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे, एक अलग इंफॉर्मेशन मिली है तो लाइक जरूर कर देना, अपने आप तक सीमित मत रखना, इतने ज्यादा सेल्फिश मत बनो, वीडियो को शेयर करो ताकि इंफॉर्मेशन, जानकारी सभी लोगों को मिल जाए यार, सभी लोगों का भला हो जाए, हमारा कुछ नहीं जाएगा, दूसरों का भला होता है। तो अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह के कोई भी टॉपिक या सुझाव आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की सुझाव, टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।